दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट हैं, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाइप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन एमबीए होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाइप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। दोस्तों हालांकि देखा जाए तो अपने देश में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के बाद में अपने कोर्स को जो आपने कंप्लीट किया उसी फील्ड में जाकर जॉब कर सकते हो या अपना कोई भी करियर आप चूज कर सकते हो। अपने देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हम बात करें तो लगभग 400 से भी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। हर साल कुछ नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं और हर साल किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी का स्कैम भी सामने आता ही है। पता चलता है किस तरह से वहां पर एजुकेशन का सिस्टम पूरी तरह से गलत तरीके से चलाया जा रहा था। पर बात क्या आती है कि कोई भी नई यूनिवर्सिटी आती है वो अच्छी एडवर्टीजमेंट्स अपनी करनी शुरू करती है और आप लोग उसमें एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, सीधा जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो। वहां आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती नहीं है। मैं सभी यूनिवर्सिटी की ये बात नहीं करता, बट बहुत सारी जो नई नई यूनिवर्सिटीज आती हैं, बेहतर है अपने ही स्टेट में और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी कुछ वक्त से चल रही है और यूनिवर्सिटी ने ठीक ठाक अपना नाम कमाया हुआ है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, हर स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी, जो सिक्किम में एक यूनिवर्सिटी आई अभी रिसेंट 2022 में, आप लगातार हमें कमेंट करते हैं या हमें व्हाट्सएप करते हैं कि सर सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें या फिर क्या यहां से हम ये कोर्स कर लें या फिर पीएचडी में क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या क्या अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है, यूनिवर्सिटी यूजीसी पर कहां रैंक करती है या फिर यूजीसी पर यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है, ऐसे कई सारे सवाल जो आप हमसे पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी में, आज उसके बारे में आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों हालांकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस पर आपने हमसे कभी भी कमेंट में सवाल किए, हमने उन सभी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस पर वीडियोस बनाई है, कोर्सेज को भी एक्सप्लोर किया है। सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी जो कि अभी 2022 जनवरी में ही यूनिवर्सिटी बनी है, इस यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो ठीक से अभी एक साल भी नहीं हुआ। मेरी सजेशन तो आपको यही है कि यूनिवर्सिटी वो देखें जिस यूनिवर्सिटी का कम से कम एक बैच क्लियर हो गया हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होंगे तो वहां का कोई भी सेशन या कोई भी बैच कंप्लीट होगा ही कैसे। दोस्तों मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है वो ले सकता है, पर जिन्होंने हमसे सवाल पूछे हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या ना लें, अप्रूवल की बात करें यूजीसी पर यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, सातवें नंबर पे आप चेक कर सकते हो, बट अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी नई है, एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, कैसे फैकल्टी मेंबर्स हैं, कैसे क्लासरूम्स हैं, हॉस्टल की क्या कंडीशन है, ऐसे बहुत सारे सवाल सामने आते हैं, अभी एडमिशन आपको नहीं लेना चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स आप करना चाहते हैं, हालांकि प्रोफेशनल कोर्स के लिए अभी यूनिवर्सिटी के पास खास कुछ अप्रूवल्स है भी नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्री कोर्स भी यूनिवर्सिटी करवाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। प्री कोर्स क्या होता है? प्री कोर्स मतलब 10th 12th करवाना, यहाँ यूनिवर्सिटी ने मेंशन भी किया है अपनी वेबसाइट पर प्री कोर्स के बारे में। पर यही जो प्री कोर्सेज है, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है जिन लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी से प्री कोर्स किया उसके बाद वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते।
जैसे कि LLB में देखा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, या फिर मैंने देखा कि फार्मेसी में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में गए तो एडमिशन नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। आप बाहर जाना चाहते हो तो प्रॉब्लम आपके साथ में आएगी। तो प्री यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से पहले आप नॉलेज ले लें, तभी एडमिशन लें। रिसर्च पे आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में तो PhD यूनिवर्सिटी करवाती है, सीट्स भी लिखी हैं कितने कितने सीट्स हैं। अभी यूनिवर्सिटी नई है तो चीज़ें कुछ मेंशन वेबसाइट पर हैं, कुछ वक्त के बाद कुछ चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी और नई चीज़ें कुछ यूनिवर्सिटी अपडेट भी कर देगी। यूनिवर्सिटी के जब आप देखते हो कि यूनिवर्सिटी SSU स्किल के नाम से यूनिवर्सिटी अपने आप को ये फेमस करती है या फिर ब्रांडिंग करती है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ये कोर्स कराती है, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज है, फैशन एंड इंटीरियर, और साथ में मीडिया एंड फिल्म मार्केटिंग, ऐसे कुछ कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि मैनेजमेंट में कोर्सेज आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, BSc MSc कोर्सेज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बिल्कुल अभी नई है, यूनिवर्सिटी के पास खास कुछ अप्रूवल्स नहीं है UGC के अलावा, तो बेहतर होगा दूसरी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को आप चूज करें, दूसरी किसी यूनिवर्सिटी का चयन करें। बट फिर भी अगर आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास है, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज हर साल आती हैं और वो यूनिवर्सिटी आती है अपनी ब्रांडिंग करती है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बनती है बहुत तरह के खर्चे होते हैं और हर साल यूनिवर्सिटी को सर्वाइव करने के लिए भी बहुत सारे खर्चों को बियर करना होता है, तो एडमिशन्स की जरूरत सभी यूनिवर्सिटीज को होती ही है। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी यूनिवर्सिटी के बारे में, सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या और आप जानकारी चाहते हैं, या किस बारे में नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर छोड़ें। या इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी अपडेट आप चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें तो भी हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को हर तरह के एजुकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती हैं उससे अपडेट रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।